नमस्कार दोस्तों, बिना वक्त जाए के बात करना चाहूंगा मेन मुद्दे की। ये जो वैकेंसी आई है ये स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा एंड मणिपुर के लिए है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए भी इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आई हुई है। मध्य प्रदेश के लिए मैं कल बताऊंगा, उड़ीसा के लिए मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों वैकेंसियों के लिंक दे रहा हूं, आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई कर लीजिएगा। एक सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है कि सर आपके चैनल पे आज 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इतना ट्रस्ट है आपके चैनल का, बट फिर भी इतने व्यूज नहीं आते हैं। देखिए यार, एक ये एजुकेशन चैनल है, कभी किसी को कोई भर्ती पसंद आती है, किसी को कोई वैकेंसी पसंद आती है, तो ये मैटर नहीं करता कितने व्यूज आते हैं कितने नहीं। बात ये है कि क्या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, और हाँ वो मैं अच्छा कर रहा हूं इतना मुझे खुशी देता है बस। बाकी आप क्या मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाते हो वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप तो अपने मतलब के लिए आते हो ना। अगर आपको वो चीज पसंद आती है तो आप लाइक करते हो, आपको चीज पसंद नहीं आती तो आप नहीं लाइक करते हो, आप नहीं शेयर करते हो, कोई इश्यू नहीं है भैया इसमें। तो चलो देखो, ये जो भर्ती है आपको बताना चाहूंगा मैं, 16 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक तकरीबन होगी, ठीक है। अब ये भर्ती कहां पे होगी? अब ये भर्ती होगी नियर लेक गेट एयरफोर्स स्टेशन बोराजर, बोरोजर करके है, गुवाहाटी असम के अंदर ये आता है। अब काफी सारे लोगों का सवाल होगा भैया नोटिफिकेशन दे दो, तो देखो नोटिफिकेशन के लिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये है हमारी समझ आया क्या .in वेबसाइट। दोस्तों इसपे ऊपर आप जाते हो तो कुछ भैया इनकम मेरी भी हो जाती है, मुझे भी कुछ मिल जाता है, इसीलिए मैं इसका लिंक जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरा भी मन है, मेरी भी कोई फैमिली है, मेरा भी कोई पीछे है जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, तो बस यही मैं लिंक देता हूँ। प्लीज आप इस लिंक पे विजिट करें, बस इस लिंक पे आके आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑप्शन नोटिफिकेशन पे आ जाना है, ठीक है, बस यहां से डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। चलो ठीक है, तो समझ आया क्या .in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहां पे बात करते हैं, देखो यहां पे 16 फरवरी से ये भर्ती स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वाले हैं, ये 16 से 18 फरवरी तक भर्ती देखेंगे, जो कि 17 फरवरी 2020 को अडॉप्ट एबिलिटी टेस्ट 2, अडॉप्ट एबिलिटी टेस्ट 1 और डायनेमिक फैक्टर टेस्ट आपका हो जाएगा IEF सिक्योरिटी के लिए। बाकी जो आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर है उनके लिए जो भर्ती है वो 19 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा पहले 19 फरवरी को, फिर आपका अडॉप्ट एबिलिटी टेस्ट, फिर अडॉप्ट एबिलिटी टेस्ट 2 और डायनेमिक फैक्टर टेस्ट 20 फरवरी को। 21 फरवरी को ये रिजर्व डे रखेंगे अपने लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मेन मुद्दे की, ठीक है। मेन मुद्दे की मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, तो देखो ये रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिर्फ 12वीं पास आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 12वीं में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट यानी कि 50% आपके 12वीं में भी होने चाहिए और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% हैं, आप तभी इस भर्ती को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके मांगे गए हैं वोकेशनल 2 सालों का, अगर किसी ने कोर्स किया है तो वो बंदा भी यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन वो COBSE के अंडर होना चाहिए उसका कोर्स, ठीक है। बोर्ड जो है इसमें भी सेम कंडीशन है, 50% का ये वोकेशनल कोर्स की परसेंटेज होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट चाहे आपने 12वीं में पढ़ा है, वोकेशनल कोर्स में पढ़ा है या 10वीं में पढ़ा है तो एलिजिबल हो, बस इसमें भी 50% चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि इसमें आपका क्या क्या होने वाला है। देखिए इसमें हाइट है, तो हाइट मैं आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे ही बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन जब दी ही है, तो देखो हाइट 152 सेंटीमीटर है, चेस्ट फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी यानी कि 1600 मीटर, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे। स्क्वेट्स होंगे मिनिमम 20, पुशअप्स होंगे 10, सिटअप्स होंगे 10, ठीक है। सिटअप्स होते हैं जो बैठ के माने, पुशअप्स होते हैं भैया जो आपको मैं यहाँ पे सीधा गूगल पे बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता चलता, सिंपल पुशअप्स देखो यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा पुशअप्स ये होते हैं पुशअप। अब सिटअप्स जो मैंने कहा बैठ के होते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं सिटअप्स लिखता हूँ तो यहाँ पे आपके जो है सिटअप्स भी आ जाएंगे बैठ के, ठीक है। तो ये है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे की ओर, अगर कुछ है इंपॉर्टेंट तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो है एज लिमिट, है ना। एज लिमिट के लिए काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया एज लिमिट तो बता दो, वो तो आपने मेन बताया ही नहीं। तो देखो इसके लिए एज लिमिट 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 के बीच में जन्म है जिनका, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपके पास भैया यहाँ का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं लेकिन अभी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का डोमिसाइल बनाया हुआ है इन स्टेटों का आपने, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए इसमें जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा आपका, इंग्लिश का जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में ही होगा।
रिटन टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हमारे शीट के ऊपर होगा, 45 मिनट का पेपर होगा, तकरीबन उसी दिन ये रिजल्ट भी आपका दे देंगे, ठीक है। फिजिकल भी उसी दिन आपका होने वाला है, एक दिन बाद हो जाएगा। बाकी देखिए इसके लिए आपको बोलना चाहूंगा, ऑल इंडिया से कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर सकते, जो मैंने स्टेट्स बताई हैं वही कर पाएंगे। स्टीफन 14,600 मिलता है, स्टार्टिंग बेसिक पे 26,900 आपकी हो जाएगी। इसमें एनसीसी का बेनिफिट, रिलेशन का बेनिफिट आपको तकरीबन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। ये नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई ट्रेड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, या फिर आपका कुछ सवाल है तो आप भैया कमेंट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू, स्टेपलर वगैरह, ब्लू बाल, ये लिस्ट दी हुई है, प्लीज इसको आप रीड कीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आप मैट्रिकुलेशन की, यानी कि 10वीं के जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी लेके जानी है, बाकी 12वीं के सर्टिफिकेट की आपको लेके जानी है, या फिर मार्कशीट ले जाना। अब इसके अलावा ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डोमिसाइल की भी आपने लेके जानी है, 4 फोटो कॉपीज। और ओरिजिनल तो सारा कुछ लेके जाना ही जाना, ठीक है, ओरिजिनल तो लेके ही जाना, 4-4 फोटो कॉपीज भी लेके चले जाना। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, बाकी आप भी रीड कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?